नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाते रहता हूँ। आज का जो विषय है वो है ऑफिस। आपका अपना साउथ फेसिंग ऑफिस है, या आप अपना नया ऑफिस बनाने जा रहे हैं, या आप अपने ऑफिस को रेनोवेट करने जा रहे हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका जो ऑफिस है या आप अपना जो ऑफिस लेने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स में लेने जा रहे हैं, या आपने कॉम्प्लेक्स में ऑफिस को लिया हुआ है। जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है साउथ फेसिंग यानी दक्षिणमुखी ऑफिस। आपका अपना सीए का ऑफिस है या आप अपना सीए का ऑफिस बनाने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है, बाहर का एरिया हमेशा ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो आपके कॉम्प्लेक्स में कॉरिडोर है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इसी के साथ आपके यहाँ शटर लगा हुआ है तो शटर के ऊपर आपका रेड कलर या मैरून कलर रहना चाहिए। यदि आपके यहाँ शटर नहीं लगा हुआ है, ग्लास, फिक्स ग्लास लगा हुआ है और ग्लास डोर बना हुआ है, तो आपने अपने यहाँ पर जो एंट्रेंस करनी है वो एंट्रेंस आपने साउथ ईस्ट के भाग से यहाँ से आपने अपनी एंट्रेंस करनी है। ये आपका अपना डोर बनेगा और बाकी के हिस्से में साउथ वेस्ट से डोर तक आपका अपना फिक्स ग्लास आएगा। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि आपका अपना फिक्स ग्लास है, ग्लास के ऊपर आप कोई फिल्म लगाना चाहते हैं या ब्लाइंड्स लगाना चाहते हैं, वो आपकी रेड कलर, पीच कलर या पिंक कलर ही होनी चाहिए। स्टाफ के लिए आपको अपने यहाँ सिटिंग कहाँ पर करनी है वो सिटिंग आपने नॉर्थ के भाग में करनी है। यहाँ पर आपका अपना डोर आएगा और आपके यहाँ जो स्टाफ बैठेगा वो नॉर्थ वॉल पर आपके अपनी कंप्यूटर टेबल बन जाएगी। यहाँ पर आपके अपने जितना स्पेस आपके पास है, स्टाफ के दो मेंबर बैठने का स्पेस है तो दो बैठाएं, तीन बैठने का स्पेस है तो तीन, और चार बैठने का स्पेस है चार। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, जो आप अपनी टेबल नॉर्थ वॉल पर बनाएंगे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ प्लस नॉर्थ ईस्ट तक ही बनानी है। नॉर्थ ईस्ट का भाग आपने बिल्कुल खाली रखना है। नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी, यहाँ पर आपने अपना पीने का पानी रखना है। आपने अपने यहाँ पर जो कैबिनेट बनानी है वो कैबिनेट आपने वेस्ट वॉल पर, नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट वॉल तक यहाँ पर आपने अपनी कैबिनेट बनानी है। यहाँ पे आपके अपनी फाइल्स आ जाएंगी। ऑनर का जो कैबिन बनेगा ये ऑनर का कैबिन बनेगा। जो आपने डोर बनाना है वो डोर आपने यहाँ से बनाना है, ये डोर आएगा। और ऑनर के कैबिन में जो कैबिनेट बनानी है वो वेस्ट वॉल पर बनानी है, ये आपके अपनी कैबिनेट बनेगी। ऑनर की जो टेबल बनेगी वो टेबल इस प्रकार से एल शेप में, ये ऑनर की टेबल आएगी। यहाँ पर ऑनर बैठेगा और यहाँ पर आपका अपना जो क्लाइंट मिलने वाला है वो क्लाइंट आपका अपना यहाँ पर बैठ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर रिसेप्शन कहाँ बनानी है? रिसेप्शन आपने अपने यहाँ पर ये आपने अपने यहाँ पर रिसेप्शन बनानी है। और यहाँ पर यानी वेस्ट वॉल पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपने अपनी कैबिनेट बनानी है। यहाँ पे आपके अपने रिसेप्शनिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर आपका अपना क्लाइंट मिलने वाला जो आएगा वो आएगा। आपके यहाँ स्पेस बचता है तो आप यहाँ पर एक अपना सोफा भी लगा सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर मंदिर कहाँ लगाना है? मंदिर आपने दरवाज़ा जो आपका बना है, ये दरवाज़ा जहाँ तक खुलता है, दरवाज़ा खुलने के बाद यहाँ पर इस भाग में आपने अपना मंदिर लगाना है। इस तरीके से आप अपने दक्षिणमुखी ऑफिस की सीटिंग और सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपका साउथ फेसिंग यानी दक्षिणमुखी
ऑफिस है, तो आपने अपने यहाँ पर जो फर्श की ढलान करनी है वो आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर और साउथ से भी आपने नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान करनी है। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि आप अपना नया ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने सर्कल में शेयर भी करें, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल जरूर उठते होंगे। आप भी अपने किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनवा सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट के लेआउट पर वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो वास्तु सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपने घर का वास्तुशास्त्र के अनुसार लेआउट बनवाना चाहते हैं तो वो लेआउट भी बनवा सकते हैं। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को अपने फादर से सीखा है। हमारे फादर द्वारा लिखित पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो आप भी पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।